कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा नूं पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने अज एक वड्डी राहत दित्ती है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा नूं कहा कि हुण ओह हाई कोर्ट दे विच सीधा अपनी जमानत अर्जी ला सकदे ने। इस तों पहलां सुखपाल सिंह खैरा ने हाई कोर्ट दे विच एक पटीशन पाई सी जिस दे विच इह कहा गया सी कि उन्हां नूं जिहड़ा गिरफ्तार किया गया 2015 दे NDPS एक्ट दे तहत ओह गिरफ्तारी गैर कानूनी है। इस दे उत्ते फिर अज हाई कोर्ट दे विच सुनवाई करदिआं होइआं कहा गया है कि पंजाब सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया क्योंकि पंजाब सरकार नूं कल 9 अक्तूबर का भी समा दिता गया सी, उदों भी पंजाब सरकार दे वकील जिहड़े ओह नहीं हाजिर होए ते अज फिर तो वकील नहीं पहुंचा पंजाब सरकार दा ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए भी सुनवाई करन दी कोशिश की गई है ते ओह भी किसी तकनीकी खराबी करके नहीं हुई। तो जदों पंजाब सरकार का कोई भी वकील नहीं पहुंचा तो फिर खैरा के पक्ष के किते ना किते हाई कोर्ट का फैसला आया तो हाई कोर्ट ने कह दिता कि हुण तुसीं सीधा जमानत अर्जी लाओ। हालांकि इस तो पहला जी पटीशन पाई गई सी गिरफ्तारी के खिलाफ उस पटीशन दे नाल जमानत अर्जी भी सी, तां हुण कल 11 अक्तूबर नूं जमानत दे उत्ते फैसला जिहड़ा ओह हाई कोर्ट दे वल्लों सुनाया जाएगा। बहस होएगी कि सुखपाल सिंह खैरा की जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है ओह किहड़े आधारां ते हुई है, पंजाब सरकार की कहिंदी है, ते फिर उस तों बाद जमानत दे उत्ते हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सुखपाल सिंह खैरा दे बेटे महताब खैरा दे नाल मेरे सहयोगी खुशवंत माइक नहीं चलिया ने कहा जी 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 हाई कोर्ट ने कहा तुसी डायरेक्ट हाई कोर्ट च बेल मूव करो। ते तुसी एरे वास्ते अपील कीती सर भाई कर रहे हैं जी, हुने कर रहे हैं, हुने कर रहे हैं, हुने अज अज दी स्पीक तुसी इजाजत मंगी सी सर कोर्ट कोलो कि असी बेल करना चाहने हैं अप्लाई। जी असी साडी पिटीशन विच ही सी, असी रिट पिटीशन लाई सी ओदे विच यही प्रेयर सी, बट जज साहब ने कहा कि तुसी रिट पिटीशन च नहीं सेपरेट अर्जी लाओ मेरे को। ते हुण कल सुनवाई होगी सर? हां जी हां जी कल होगी। ते बेल ते सर बहस होगी पहले? हां जी। जस्टिस अनूप चटकारा सिंगल जज सर जी। हां जी।